गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन थ्रोन इन द मैग्नेटिक फील्ड। सो नाउ लेट अस बिगिन द सिचुएशन। यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है क्यू। क्यू चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, ये हमने एक्स एक्सिस मान ली है। अब यहाँ देखो, अगर आपका ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, एंड द चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन बाय एन एक्यूट एंगल और बाय एनी स्मॉल एंगल, बट थ्रोन इन एनी डायरेक्शन। हमने पैरेलल पढ़ लिया, पैरेलल अगर जाएगा तो सीधा पास कर जाएगा, एंटी पैरेलल जाएगा सीधा पास कर जाएगा, परपेंडिकुलर जाएगा सर्कुलर ट्रैजेक्टरी को फॉलो करेगा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, द चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन इन द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी डायरेक्शन। तो जैसे ही आपने थ्रो किया तो आपने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही कंसीडर अ चार्ज, आप लैंग्वेज में लिखेंगे कंसीडर अ चार्ज पार्टिकल क्यू थ्रोन इन द मैग्नेटिक फील्ड बी एट एन एंगल ऑफ थीटा। यहां हमने ये कितना मान लिया, मैग्नेटिक फील्ड से चार्ज पार्टिकल का जो मोशन है वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। ठीक, तो लैंग्वेज फिर से एक बार रिमाइंड करते हैं, कंसीडर अ चार्ज पार्टिकल क्यू मूविंग द मैग्नेटिक फील्ड बी थ्रोन at an angle of theta from the direction of magnetic field, then what will happen? You can see simply over here, यहाँ ये velocity है, तो इस velocity के दो component हो जाएंगे। एक हो जाएगा यहाँ component मिलेगा, that is v cos theta. This is a parallel component. Parallel component means along the direction of magnetic field. Okay? And here also we are having another component, that is v sin theta. That is what? Perpendicular to the direction of magnetic field. Magnetic field इस तरफ है, velocity इस तरफ है। You know it very well. मैंने लिख दिया, a charged particle with a velocity not in the same direction as the magnetic field has velocity component. उसकी क्या होंगे? उसकी velocity के component हो जाएंगे। एक component मिलेगा parallel, एक मिलेगा perpendicular. Parallel component क्या करेगा? आगे बढ़ाएगा charged particle को. परपेंडिकुलर कंपोनेंट घुमाएगा। अब भैया आगे भी बढ़ रहा है, घूम भी रहा है, यानी घूम घूम के आगे बढ़ रहा है। इट विल फॉलो द हेलिकल पाथ। भाई अगर आप देखेंगे ध्यान से, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, फोर्स लगा रहा होगा इनवर्ड, तो चार्ज पार्टिकल अंदर चला जाएगा, यानी ये चार्ज पार्टिकल अंदर जाएगा, एंड इट विल फॉलो अ हेलिकल पाथ। ओके, और अब ये हेलिकल पाथ बना लिया, यानी आगे भी बढ़ रहा है, जो v cos थीटा है उसे आगे बढ़ा रहा है, v sin थीटा इसे सर्कुलर ट्रैजेक्टरी में मूव करा रहा है। अगर आप देखें कि दो पॉइंट्स जो होते हैं, इन दोनों पॉइंट्स के जो बीच का डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड एज पिच। क्या कहलाता है? पिच। यानी व्हाट इज पिच? द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट between two consecutive या successive points on helical path। अब अच्छा ये बताओ, यहां से लेकर यहां तक आने में टाइम कितना लगा? अरे यार ये बिल्कुल ध्यान से देखो, तो ये एक रिंग की तरह ही है, बस रिंग को ऐसा कर दिया गया, यहां से यानी रिंग को आपके इस तरह कर दिया गया। ठीक, ये एक पॉइंट ये घूम के पूरा आके वापस यहां आ गया, यानी रिंग आपका पूरा ऐसे बना हुआ था पहले, इस तरह से रिंग बना हुआ था, अब रिंग ऐसा हो गया है। ठीक, क्योंकि रिंग अगर मान लो सिर्फ परपेंडिकुलर होता वेलोसिटी का कंपोनेंट, सर्कुलर ट्रैजेक्टरी, अगर मान लीजिए पैरेलल होता स्ट्रेट लाइन पाथ, अब क्या हुआ, इस तरह से बन गया, इस तरह से। तो अगर ध्यान से देखो तो यहां से लेकर यहां तक जाने में वापस जितना एक सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड को घूमने में टाइम लगता था उतना ही तो लग रहा है। तो वी नो इट वेरी वेल, नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द मैथमेटिकली पिच, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पिच। नाउ पिच कैन बी गिवन बाय
पिच इज इक्वल टू, भाई आपको क्या निकालना है, पिच क्या है, द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट्स, कंसेक्यूटिव पॉइंट्स। तो भाई आपने ऐसा मान लिया, ये ऐसा हो गया। अगर आप ध्यान से देखें तो इस पॉइंट से ये जो पॉइंट आगे है, ये दोनों पॉइंट है जो मैं फिंगर्स मूव कर रहा हूँ, इन दोनों पॉइंट में पहुंचने में पूरा सर्कुलर ट्रैजेक्टरी फॉलो किया, यानी टाइम तो उतना ही लगेगा जितना सर्कुलर ट्रैजेक्टरी में लगा। देन द टाइम फॉर द सर्कुलर पाथ इज गिवन बाय 2 पाई एम बाय क्यू बी, यू नो इट वेरी वेल, आप पहले निकाल चुके हो। वेलोसिटी कितनी है भैया, वी कॉस थीटा, अरे हमने सीधा फॉर्मूला लगा दिया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। इससे ज्यादा और कुछ मैं फिजिक्स नहीं लगा। तो भैया आ जाइए, वी कॉस थीटा डॉट t इक्वल टू 2 पाई एम बाय क्यू बी, तो पिच कितना निकल आया, 2 पाई एम बी कॉस थीटा अपॉन क्यू बी। सो दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर द पिच समटाइम्स डायरेक्टली आउट इन द बोर्ड एग्जाम। नाउ वी आर गोइंग टू मूव थ्रू द न्यू टॉपिक, दैट इज एम्पियर्स फोर्स और फोर्स एक्सपीरियंस बाय करेंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस द मैग्नेटिक फील्ड। ऑलरेडी हम 10th क्लास में भी पढ़ के आए हैं इसको। हमने क्या किया, ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया, दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इट कैरीज अ करंट, दैट इज। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अ न्यू टॉपिक, दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है। क्यों? क्योंकि यार करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है, करंट के अंदर भी तो क्या हो रहा होगा, मोशन ऑफ चार्ज। अगर जैसे मान लीजिए आपने ये वायर भी लिया, इस वायर में आई करंट फ्लो कर रहा है, इसमें चार्ज क्यों मूव कर रहा होगा, ठीक है। या मैं ये कह सकता हूँ, अगर छोटे एलिमेंट के लिए ले लेंगे, इस वायर की पूरी की लेंथ मान ली एल, छोटा एलिमेंट का लेंथ मान ली एल डी एल, दिस इज आर लेंथ एलिमेंट डी एल, तो इस डी एल लेंथ में जो कितना वायर कितना चार्ज मूव कर रहा होगा, डी क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली, ये वायर जो है यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो लैंग्वेज क्या लिखेंगे, कंसिडर अ करेंट कैरिंग कंडक्टर कैरीज करेंट आई ऑफ लेंथ एल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। ऑलवेज रिमेंबर, आपको लैंग्वेज में ये चीज ऐड करनी है, द प्लेन ऑफ वायर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, वायर का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। चलिए भाई, तो आ जाइए, आपने लेंथ एलिमेंट ले लिया हमने छोटा सा डी एल, तो ये डी एल लेंथ एलिमेंट में चार्ज कितना है, डी क्यू, ठीक। डी क्यू चार्ज मूव करेगा कितने टाइम में, डी टी, यू नो इट वेरी वेल दैट आई कैन बी गिवन बाय क्यू बाय टी और डी क्यू बाय डी टी। सो द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय डी क्यू चार्ज ऑफ लेंथ एलिमेंट डी एल इज गिवन बाय डी एफ एम इज इक्वल टू, भाई एफ बराबर क्या होता है, क्यू इन टू वी क्रॉस बी, या डी एफ एम ले लिया क्यू इन टू वी क्रॉस डी। चलिए भाई, इसमें आपने डी वी को लिख लिया, वेलोसिटी कैन बी गिवन बाय डी एल बाय डी टी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डी टी आपने बाहर ले लिया, तो ये आ गया डी क्यू बाय डी टी। डी क्यू बाय डी टी को आप क्या लिख सकते हैं बोलिए, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हाँ डी क्यू बाय डी टी को आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, आई, ठीक। तो चलिए हम इसको लिख देंगे, आगे सॉल्व करते हैं। Then DFM is given by dQ by dt को भी क्या लिख दिया, I into DL cross B, इस प्रोस्ट्रक्ट को भी खोल दिया, DL is what? The direction of the length element and B is what? Magnetic field. Always remember they are mutually perpendicular. Then इसको हमने सॉल्व कर दिया, तो यह गया DFM is given by I into DL cross B into sin theta. Cross product को दिया, तो you know it very well that it can be given by DFM, integration कर दिया हमने, integration of I into B into DL dot sin theta, सब बाहर आ गया, तो ये हो गया FM is equal to DL condition क्या होगा, IBL sin theta। ये रिजल्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या आप ये लिखते हैं FM इज इक्वल टू IBL, बिकॉज द एंगल इज 90 डिग्री, द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड
force. Sorry, the magnetic field is perpendicular to the length element. Then the F is given by ideal sin theta. कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी लेंथ है L, मैग्नेटिक फील्ड B में प्लेस है, उसमें करंट I फ्लो कर रहा है, उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा IVL. अगर चार्ज Q है, वेलोसिटी V से मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड B में लगने वाला फोर्स क्या होगा Q. बस कुछ नहीं किया यहाँ, Q को हमने कन्वर्ट कर दिया I के फॉर्म में. गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो ये बता दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको ही हम कहते हैं एम्पीयर्स फोर्स. नोट करिए, कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. हैव अ नाइस डे.